हम चुप नहीं रहे, हम चुप नहीं रह सकते। और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तो हमारी पत्नी सांसद बनी थी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है। कितने वार हुए हैं इस स्थिति के ऊपर। 23 साल की उम्र में हम सांसद बने थे। देव संजोग वही है, वही जो राम रचा का मैं सोचता था क्या है, बिना गलती के किस बात की सजा पा रहे हैं हम। 1.5 साल से क्या झेल रहे हैं, क्या झेल रहे हैं। तो देख रहा हूं कि 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बने थे। क्या बोया, कुछ नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती, एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डाण हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो तो यही कमल वाली बो दो, थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। विपक्ष काल है, आपत्ति काल है, और हरियाणा के अंदर या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वो बीज, आपका वो वोट उनके गाल का तमाचा होगा। बोए खोए तो यही बोए दियो, नहीं ना बोयो भैया। तो बोईबो न करबो तो हार जम्बो न करे, लेकिन एक तो हमारे घटाए जरूर दी, तो इन्हें बो ना अतरे मदद करो।